हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्वातिस ब्लॉग। तो गाइस, अब हम बनाने जा रहे हैं खिचड़ी। तो मैं अभी आपको ये खिचड़ी की रेसिपी बताने जा रही हूँ। गाइस, बने रहिए मेरे साथ। और गाइस, आज सैटरडे है तो हम आज खिचड़ी बनाएंगे। गाइस, चलिए मेरे साथ फिर बनाते हैं। और गाइस, वीडियो पे बने रहिए, मैं कुछ टिप्स देने वाली हूँ आप लोगों को, जो मैं एंड में देने वाली हूँ, जो बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो को फुल देखिएगा गाइस, स्किप ना करें प्लीज़। तो गाइस, ये सिंपल सा फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स वाली खिचड़ी बनाने के इंग्रेडिएंट्स मैं स्क्रीन में डिस्प्ले कर दी हूँ, आप यहाँ से फॉलो कर सकते हैं। गाइस, यहाँ पे लिया है मैंने कुछ मिक्स वेजिटेबल्स, जिसमें है पोटैटोस जिसको मैंने बड़े बड़े काट लिया है, और मटर के दाने हैं कुछ, और मूली है जिसको मैंने बड़ा बड़ा काटा है, और यहाँ पर है कॉलीफ्लावर एंड कैबेज। तो गाइस, ये खिचड़ी बनाने के रेसिपी में ना हमको ये सब्जी ना छोटा छोटा नहीं काटना है, इसको बड़ा बड़ा काटना है, नहीं तो ना पूरा खिचड़ी में सब्जियां गल जाते हैं और खिचड़ी का इतना टेस्ट नहीं आ पाता, और आप ढूंढते रह जाएंगे कि सब्जी कहाँ है। ठीक है, तो फिर इसको बड़ा बड़ा ही काटना है गाइस। तो देखिए गाइस, ये मिक्स दाल है, इन दालों में है उड़द की दाल, अरहर की दाल और चने की दाल है, जिसको मैंने भिगो लिया है, और मूंग की दाल को मैं बिना भिगोए ही डालूंगी। तो देखते हैं फिर आगे कैसे बनाती हूँ मैं। गाइस, बने रहिए वीडियो पे। गाइस, खिचड़ी बनाने का क्वांटिटी ऐसा लेना है आपको, अगर आप हाफ़ ग्लास चावल लेते हैं ना, तो हाफ़ ग्लास ही आपको दाल भी लेना है, और नहीं तो ना खिचड़ी वाटरी हो जाता है। और गाइस, यहाँ पे हमने लिया है ये चिली एंड अदरक, अदरक को मैंने क्रश कर लिया, देखिए। और गाइस, तड़का लगाने के लिए हम क्या लगाने वाले इसमें, तो वीडियो को स्किप ना करें, मैं आगे दिखाती हूँ आपको उसको तड़का में क्या डालना है और कैसे तड़का लगाना है। तो गाइस, खिचड़ी बनाने के सबसे पहले हम गैस को ऑन कर लेंगे, उसके बाद हम इसमें एक कुकर चढ़ा देंगे बड़ा सा। तो गाइस, और एक बात है, अगर आप खिचड़ी बनाने जा रहे हैं ना, तो छोटा पैन में ना बनाएं, तो बिल्कुल गल जाएगा उसमें और चिपचिप सा हो जाएगा ना, तो आप ऐसे करके बड़ा वेसल्स ही लें जब भी खिचड़ी बनाए ना आप। गाइस, ये दाल जो भिगोई थी मैं, तो वो पानी को मैंने नहीं फेंका है, क्यों मैं बता रही हूँ आपको, क्योंकि मैंने दाल को 4 टाइम्स धो लिया था, उसके बाद मैं इसमें इसको भिगो के रखी थी गाइस, और इसका पानी अगर मैं फेंक दूंगी ना, तो वो ये जो दाल का विटामिन्स वगैरह है ना, तो न्यूट्रिएंट्स वगैरह है, वो हमें नहीं मिलेगी, तो सभी पानी में ही बह जाएगी ना, तो इसलिए मैंने ये पानी को नहीं फेंका है गाइस। तो मैंने पानी को ऐड कर दिया इसमें ही, और जो राइस हम धो के रखी थी मैं, तो वो राइस को भी अभी यहाँ पर ऐड कर दूँगी, और यहाँ पे पानी डालेंगे ऐसा, देखिए कितना डालना है, मैं दिखाती हूँ आपको। ठीक है, और गाइस, मैंने यहाँ पे मूंग दाल भी अभी धो के डाला, उसको मैंने भिगोया नहीं है, तो मैं बताऊँगी उसको मैंने क्यों नहीं भिगोया। तो गाइस, ये खिचड़ी में हमें कितना पानी डालना है मैं आपको बता रही हूँ, और मैं अपने फिंगर के सहायता लेकर आपको बता रही हूँ, ताकि आप अच्छे से समझ सकें। तो देखिए, मैं अपने फिंगर को भी डाल रही हूँ पानी में, तो देखिए मेरे जो फिंगर के जो थर्ड साइन है ना, उतना तक आ चुका है पानी, तो उतना पानी हमें डालना है, क्योंकि खिचड़ी में अगर कम पानी डालेंगे ना, तो बाद में पानी डालते हैं ना, तो वो खिचड़ी थोड़ा ना वाटरी हो जाता है टेस्ट में ना, तो हमें पहले ही थोड़ा ज़्यादा ही पानी डालना है, इसलिए मैंने आपको बोला कि आप बड़ा वेसल ही लीजिए ना खिचड़ी बनाने के लिए, तो मैंने ये बड़ा सा वेसल लिया है। और अगर आप छोटा वेसल्स लेते हैं ना, तो आपको फिर और बाद में पानी ऐड करने पड़ सकते हैं, तो इसलिए मैंने ये बड़ा सा वेसल लिया है। और अब हम डालेंगे इसमें ये मिक्स सब्जियाँ, क्योंकि आज हम पूरी न्यूट्रिएंट्स वाली खिचड़ी बनाने जा रहे हैं, तो इसमें फुल ऑफ सब्जियाँ है, दाल है, और तो देखिए गाइस कितना अच्छा दिख रहा है ना। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे नमक, नमक हमें बाद में नहीं डालना है, तो हम नमक अभी ही डाल देंगे इसमें, तो आप स्वाद अनुसार नमक डाल सकते हैं, क्योंकि मैंने पानी थोड़ा ज़्यादा डाला है, तो मैं इसमें नमक थोड़ा सा ज़्यादा डाल रही हूँ। और अब हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, तो गाइस नमक हल्दी पाउडर डालते ही अब हम इसमें डालेंगे क्रश की हुई अदरक और कटी हुई मिर्ची को, अब हम इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से, और नहीं तो जो हल्दी है ना, वो एक जगह कहीं पे रह जाएगा, नमक तो सभी में मेल्ट हो जाएगा, बाद हल्दी एक ही जगह पे रह जाएगा गाइस।
तो हम अच्छे से ऐसे मिक्स कर देंगे। इसके बाद अब हम ढक्कन लगा देंगे इसको और पकने देते हैं। तो देखिए अब मैं ये कुकर का ढक्कन बंद कर चुकी हूँ और इसको ज़्यादा नहीं पकने देना है गाइस खिचड़ी को, नहीं तो ये पूरा हलवा बन जाएगा ना। तो इसको बस एक ही विसल पकने देना, उसके बाद आपको ना गैस को निकाल देना। चलिए फिर आगे देखते हैं। तो गाइस जब तक ये खिचड़ी पकता है तब तक हम कुछ बातें कर लेते हैं, पुराने यादें ताज़ा कर लेते हैं गाइस। तो मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहती क्योंकि मुझे अचानक से ये बात याद आ गई अभी। तो क्या होता था, जब भी घर पे खिचड़ी बनता था ना हमारे, तो पापा हमारे एक बात बोलते थे, अपना कहानी सुनाया करते थे कि एक अंकल थे, बंगाली अंकल ना, वो मेरे पापा को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। तो जब भी खिचड़ी बनता था ना और कुछ भी स्पेशल बनता था तो पापा को बुलाते थे ना, तो खिचड़ी बनते समय वो अंकल बोलते थे बंगाली में, डाल दिए चावल दिए ताके बोले खिचड़ी, इसका मतलब वो टोंड मार रहे थे कि बस दाल और चावल को मिक्स करने से ही खिचड़ी नहीं बन जाता, खिचड़ी में बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स डालने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये बात बोलते थे ना पापा। तो जब भी मैं खिचड़ी बनाती हूँ ना मुझे ये पापा का ये बातें याद आ जाती है फ्रेंड्स। तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, तो गाइस बने रहिए वीडियो पर, फिर देखते हैं आगे। तो गाइस तड़का लगाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पे तेज पत्ता, जो मैंने 4 तेज पत्ता लिए हैं, और यहाँ पे मैंने लिया ड्राई चिलीस, जो 4 ड्राई चिलीस ही लिए हैं मैंने, और यहाँ पे लिया है मैंने ये ब्लैक पेपर, साबुत ब्लैक पेपर, और ये मेथी के दाने लिए हैं गाइस ने। तो इसमें आप हाफ़ स्पून ब्लैक पेपर ले सकते और 1 स्पून मेथी के दाना ले सकते हैं गाइस। तो अगर आपके पास मेथी के दाना नहीं है ना तो आप 5 फ़ोरन भी डाल सकते हैं, एक ही टेस्ट आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसमें। तो फिर अब हम एक विसल का वेट करते हैं, जैसे एक विसल बन जाएगा हम फट से खिचड़ी का विसल को निकाल देंगे, नहीं तो ओवर कुक्ड हो जाएगा, उसके बाद हम फिर तड़का लगाते हैं। गाइज अब हमारा कुकर का एक विसल बच चुका है, अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और फटाफट इसका गैस निकाल देंगे गाइज, नहीं तो ओवर बॉइल्ड हो जाएगा ये। तो चलिए फिर देखते हैं कैसा है। तो देखिए गाइज अब हम ढक्कन निकाल चुके हैं, अब देखिए कितना अच्छा से पक गया है ये और ओवर कुछ भी नहीं हुआ है, तो कितना अच्छा से पक गया। देखिए सब्ज़ी भी आपको दिखने को मिल रहे होंगे अच्छे से, देखिए देखिए ये कैबेज है, तो कैबेज भी नहीं गला है, बहुत अच्छे से एकदम पक गया है गाइस देखिए। तो चलिए आप तड़का लगाते हैं, और गाइस खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, सच में मैं बोल रही हूँ ना आपको, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है एकदम। तो गाइस तड़का लगाने के लिए हम गैस के ऊपर एक तड़का पैन चढ़ा देंगे, फिर हम इसको गरम होने देते हैं। तो देखिए गाइस ये गरम हो चुका है, तो अब हम इसमें सरसों का तेल डालेंगे। तो गाइस आप सरसों का तेल से ही बनाइएगा क्योंकि रिफाइंड हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है और अच्छा भी टेस्ट नहीं आता है। तो अब हम इसमें सरसों का तेल डालेंगे। आप घी से भी तड़का लगा सकते हैं, बट मैं घी एंड में डालूँगी, अभी नहीं डालूँगी। और मैंने गैस का फ्लेम को लो कर दिया है ताकि तेल ओवर गरम ना हो जाए। तो फिर वेट करते थोड़ा सा तेल गरम होने का, उसके बाद हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। देखिए गाइस अब हमारा यह तड़का पैन गरम हो चुका है, इसमें डालेंगे तेज पत्ता। तो इसको थोड़ा सा इसका कलर थोड़ा सा डार्क होने देते, उसके बाद हम इसमें डालेंगे ये मेथी दाना और ब्लैक पेपर। तो मेथी दाना को थोड़ा सा ब्राउन होने देते हैं, जलने नहीं देना है हमें। तो देखिए हो चुका है ब्राउन, अब इसमें हम डालेंगे चीनी। तो गाइस देखिए अब हमारा तड़का बिल्कुल रेडी, अब हम इसको तड़का लगाएंगे ऐसे, ये खिचड़ी है। तो गाइस अब हम तड़का लगा के खिचड़ी को गैस पे चढ़ा के गैस ऑन करके और इसको बस 1 मिनट तक ही अच्छे से इसको पकने देते हैं। उस
उसके बाद फिर हम गैस को बंद कर देंगे। और अगर आपको लग रहा होगा कि पानी कम है तो आप पानी डाल सकते हैं। तो देखिए ये बिल्कुल भी अच्छा कंसिस्टेंसी में है अभी, तो हमें इतना ही खाना है, ज़्यादा वाटरी भी नहीं है, ज़्यादा ड्राई भी नहीं है, तो पूरा ठीक है ये। तो देखिए गाइस अब थोड़ा सा उबल रहा है, अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। तो गाइस वीडियो पे बने रहिए, मैं आगे आपको टिप्स बताने जा रही हूँ। देखिए गाइस हमारा खिचड़ी अब बन के बिल्कुल भी तैयार है, तो मैं अभी दिखाती हूँ। देखिए वाह, और खुशबू तो इतनी अच्छी आ रही है ना गाइस, मैं आपको क्या बताऊँ। गाइस मंदिर वाली खिचड़ी की तो बात ही अलग है ना, इतनी ज़्यादा टेस्टी और खुशबूदार होती है ना, क्या बताऊँ ना आपको। तो मंदिर वाली खिचड़ी की याद आ जाती है मुझे तो। ये देखिए गाइस सब्जी वगैरह सभी भी दिख रहे हैं कितना अच्छा से। और गाइस आज सैटरडे है, तो आज हम खिचड़ी खाने वाले हैं, और आज हम ये खिचड़ी को अचार या आलू के साथ सर्व करने वाले हैं। गाइस देखिए ये तो गाइस एक्चुअली मैं एक साथ ही ये वीडियो बनाने वाली थी, बट वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए मैंने अचार या आलू का वीडियो अलग से बनाया है। तो गाइस मैं अचार या आलू का रेसिपी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रेसिपी है गाइस। और नहीं तो आप मेरे चैनल पे जाके वहाँ से भी देख सकते हैं गाइस। तो गाइस आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये रेसिपी, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और गाइस मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, और मेरे वीडियोज़ को देखते रहिएगा, और मेरे वीडियोज़ को प्लीज़ अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा गाइस, ताकि वो भी ऐसे रेसिपीज़ के बारे में जान सके और टिप्स के बारे में भी जान सके। और उनको भी बोलिएगा गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। और गाइस थैंक यू टू वॉच माई वीडियोज़, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, हैव ए गुड टाइम, टेक केयर। और गाइस हाँ मैं आपको टिप्स बताने वाली थी ना, तो आज का टिप्स ये है गाइस। तो देखिए मैं ये तीनों दालों को भिगो के रखी थी ना, तो क्यों भिगोई थी मैं आपको बताती हूँ अभी। एक्चुअली चना दाल, उड़द दाल और अरहर के दाल को मैंने भिगो के रखा था इसीलिए, क्योंकि ये तीनों दाल ना पकने में टाइम लग जाता है ना, तो इसीलिए मैंने भिगो दिया था, ताकि वो चावल के साथ अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो देखिए चावल के साथ इतने अच्छे से मेल्ट हो चुका है पूरा तीनों दालें। और मूंग की दाल को मैंने चावल के साथ ही धो के डाल दिया था, क्योंकि मूंग की दाल जल्दी पक जाती है इसलिए। तो गाइस खिचड़ी बनाते समय ये बात का प्लीज़ ध्यान रखिएगा, तो आपकी खिचड़ी बहुत अच्छी बनेगी, और नहीं तो दाल अलग हो जाएगा और चावल अलग ही दिखने को मिलता है ना, तो इसीलिए। तो गाइस तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल, हैव ए गुड टाइम, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।